नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में 3 चरणों में होगा विधानसभा चुनाव का आयोजन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अहम फैसला जारी कर दिया है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। बिहार में 3 चरणों में चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। पहले चरण में 71, दूसरे चरण में 94 सीटों पर, जबकि तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, वहीं दूसरे चरण का मतदान 3 नवम्बर को होगा और तीसरे चरण का मतदान 7 नवम्बर को होगा। 10 नवंबर को मतदान की गिनती होगी। आज से चुनाव आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोविड-19 के माहौल में यह पहला चुनाव होगा। इतना ही नहीं, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पोलिंग टाइम को 1 घंटा और बढ़ा दिया गया है, यानी कि कोविड-19 के माहौल में 7 बजे से अब शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जो कि पहले 5 बजे तक ही वोटिंग की अनुमति थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोविड-19 के माहौल में यह पहला चुनाव है। बिहार के 30 अंचलाधिकारियों पर सख्ती से आया जाएगा पेश। बिहार में अंचलाधिकारी ने सरकार के नाक में दम कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद अंचल में तैनात अंचलाधिकारी दाखिला खारिज को लटका कर रखने से बाज नहीं आ रहे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर सख्ती से पेश आने वाला है। विभाग ने सबसे पहले बेहतर और सबसे खराब काम करने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की है। जिसका परफॉर्मेंस सबसे खराब है, उन पर सख्ती से पेश आया जाएगा। सभी अधिकारी दाखिला खारिज आवेदन को लंबित रखे हुए हैं। तमाम गाइडलाइन के बाद भी अंचलाधिकारी इस मामले को निपटाने में विफल या जानबूझकर इसको अटका कर रख रहे हैं। इसके बाद भूमि सुधार एवं राजस्व अधिकारियों का एक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया है। विभागीय सूत्रों की माने तो जिनका खराब परफॉर्मेंस रहा है, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। पटना समेत बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की जताई गई संभावना। मॉनसून ने एक बार फिर से बिहार में तेज रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। मौसम की रफ्तार को देखते हुए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पटना सहित सभी गंगा के निकटवर्ती जिलों एवं उत्तरी पश्चिमी एवं उत्तरी बिहार के सभी जिलों में अगले 48 घंटे तक मध्यम से भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विज्ञान विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने अपने स्तर पर इसके लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही प्रदेश के नगरीय इलाकों को भी भारी बारिश के संदर्भ में सतर्क रहने की नसीहत दी और इस दौरान पूरे प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। BSUSC असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए निकाले गए रिक्तियां। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालयों में खाली पड़े असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को भरने के लिए बंपर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 4638 पदों पर आवेदन की मांग की है। इच्छुक उम्मीदवार bsusc.bihar.gov.in पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 नवंबर 2020 बताई गई है। एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख और CBT के शेड्यूल को जारी बाद में किया जाएगा। आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आयोग के कार्यालय में 24 नवंबर 2020 तक रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से पहुंच जानी चाहिए। बिहार में एक बार फिर से बाढ़ ने दी दस्तक। इंडो नेपाल सीमा के सीमावर्ती इलाके में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के चकदेवा झंडू टोला में बिना टोली सहित SSB कैंप में चौथी दफा बाढ़ का पानी आ गया है। हालांकि ग्रामीणों ने खुद से मेहनत करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की सूचना दे दी है। झंडू टोला स्थित SSB की बटालियन की सभी कंपनियों के जवान ने बाढ़ का पानी गांव में घुसते ही रेस्क्यू शुरू कर दिया और आसपास के ग्रामीणों को बांध तक पहुंचाने का काम किया है। आपको बता दें, SSB कैंप में भी 4 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है और जवानों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नरकटियागंज की बात करें तो मुख्य सड़क पर 5 फीट से ज्यादा पानी चढ़ चुका है, जिसकी वजह से आवागमन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान के साथ ही लागू हुआ आचार संहिता। बिहार विधानसभा चुनाव के आयोजन की तारीख के ऐलान के बाद चुनाव आचार संहिता तुरंत ही लागू कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसके लिए कोई तामझाम नहीं करना होगा। प्रत्याशी ऑनलाइन पर्चा दाखिल कर इस बार अपना नामांकन भरेंगे। घर घर चुनाव प्रचार की इजाजत होगी, लेकिन सिर्फ 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही रोड शो जैसे कार्यक्रम में काफिले में 5 से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा। आचार संहिता के लागू होते ही सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं किया जा सकेगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास नहीं होगी। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों की रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। पटना एम्स में पोस्ट OPD की सेवा आज से हुई शुरू। पटना एम्स में शुक्रवार से पोस्ट OPD की सेवा शुरू हो गई है। मुख्य अतिथि भवन के कुछ हिस्सों में कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों का इलाज होगा। इतना ही नहीं, बिहार का पहला OPD होने वाला है। इसमें ऐसे मरीज इलाज करा सकेंगे जो पहले से
संक्रमित थे या अब उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। डॉक्टर दीपेंद्र कुमार की माने तो आज से पहले जांच काउंटर बनाया गया है, जिसके तहत मरीजों को पहले अपना संक्रमण का प्रमाण पत्र, अस्पताल में इलाज के कागजात और डिस्चार्ज स्लिप दिखानी होगी। जो लोग आइसोलेशन में थे उन्हें पूर्व की जांच रिपोर्ट लानी होगी। बिना कागज के आने वाले मरीजों को पोस्ट कोविड वार्ड में इलाज नहीं किया जाएगा। किसानों के हक के लिए तेजस्वी यादव का साथ देने सड़कों पर उतरे तेज प्रताप यादव। कृषि बिल के खिलाफ किसान संगठन का विरोध लगातार पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। इस बिल के खिलाफ किसान अब देश भर में चक्का जाम करने पर मजबूर हो गए हैं। देश भर में चक्का जाम का आयोजन तो आज करवाया गया, साथ ही पटना के सड़कों पर भी तेजस्वी यादव अपनी सेना के साथ केंद्र और नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले नजर आए। तेजस्वी यादव अपनी टीम के साथ ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर सुबह सुबह नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव का सपोर्ट करने के लिए उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी उनका खुलकर समर्थन किया। तेज प्रताप यादव तेजस्वी का साथ देने के लिए तेजस्वी के ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गए। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव पटना के सड़कों पर ट्रैक्टर चलाते नजर आए, तो वहीं तेज प्रताप यादव ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर सरकार विरोधी नारे लगाते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जलवायु परिवर्तन पर यूएनओ को किया संबोधित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संयुक्त राष्ट्र संघ को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कई बातें बताई है। भारतीय समय के गुरुवार की रात 10 बजे मुख्यमंत्री का संवाद वीडियो संयुक्त राष्ट्र के साथ हुआ था, जहां अपनी बैठक में उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बिहार सरकार द्वारा की जा रही पहल की सराहना यूएन ने की थी। वहीं मुख्यमंत्री को अपनी बैठक में बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया, तो यूएनओ के सचिव द्वारा बुलाई गई बैठक में कई देश के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर बिहार में भी भीषण गर्मी, असमय बारिश, भूगर्भ जल स्तर नीचे जाना, सूखा और बाढ़ के रूप में हुआ है। इस प्रभाव को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत मुख्य रूप से जल संचयन और हरियाली क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं। अब ऑनलाइन मिलेगी आईआईटी मुंबई के पेटेंट तकनीक से बनाई गई जीविका दीदियों के मास्क। लालगंज के जीविका दीदियों द्वारा आईआईटी मुंबई के पेटेंट तकनीक से बनाया गया मास्क शॉपिंग अब ऑनलाइन किया जा सकेगा। मास्क को एक सेट की कीमत लगभग 100 रुपए बताई गई है, जबकि 5 मास्क के सेट की कीमत 200 रुपए रखी गई है। मास्क को 3 आकर्षक रंगों से बाजार में उतारा गया। इस मास्क को सूती कपड़ों में बनाया गया, जो विषाणु और बैक्टीरिया रोधी, इस्तेमाल के बाद इसे हर दिन साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लगभग 20 जुलाई तक मास्क के प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। आवश्यक अनुसार नल के पानी एवं किसी भी डिटर्जेंट से इसके हल्के हाथ से धोया जा सकता है। इस मास्क को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दे रहे पीसीआई के मानव कुमार ने बताया है कि इस मास्क को बनाने के लिए लालगंज की 20 जीविका दीदियों को प्रशिक्षण दिया गया था। राजद की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में दिखे सिर्फ तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव का नाम पिछले 15 साल से बिहार की सियासत में लगातार सुनने में मिल रहा है। हालांकि इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा परिवर्तन के चुनाव में पहले पार्टी के तेजस्वी यादव को एकमात्र बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया है। राजद सुप्रीमो पर्दे के पीछे से सारी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन पर्दे के आगे सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। लालू जी के कार्यकाल में जो गलतियां की गई हैं, उसके लिए तेजस्वी यादव सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं। उन्हें पता है कि जब तक लालू प्रसाद यादव का चेहरा सामने आया, तब तक भाजपा और जदयू लालू के चेहरे का भ्रम फैलाकर चुनाव में राजद को हराती रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पार्टी ने तेजस्वी यादव को युवा चेहरे के रूप में बिहार में नीतीश कुमार का एक बेहतर विकल्प बताते हुए प्रोजेक्ट कर दिया है। कुशवाहा पर गर्म हुए तेजस्वी यादव। किसान बिल के विरोध के बाद तेजस्वी यादव ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया था, जहां पर केंद्र की मोदी सरकार और साथ साथ बिहार के नीतीश कुमार पर भी खूब बयानबाजी की। वहीं तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में चल रहे उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुटापटक को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिसे जहां जाना है वो जा सकता है, लेकिन महागठबंधन और खास करके राजद का अपमान वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा पर पहली बार खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जो भी दल शामिल होंगे वो एकजुटता के साथ मैदान में उतरेंगे। तेजस्वी यादव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि सम्मान सबको चाहिए और सबको सम्मान देना भी होगा। सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज होगी भिड़ंत। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज युवा दिल्ली कैपिटल्स अनुभवी खिलाड़ियों से भरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का आमना सामना होने वाला है। राजस्थान के खिलाफ पिछले मुकाबले में चेन्नई की टीम को हार मिली थी, जबकि दिल्ली ने पंजाब को रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में मात दी थी। इस मैच में चेन्नई ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हालांकि कुछ बदलाव कर सकते हैं, पिछले 2 मुकाबले में निचले क्रम में बल्लेबाजी करने की वजह से उनकी काफी आलोचना हुई थी, लिहाजा इस बार दिल्ली के खिलाफ बड़े बदलाव के तौर पर उनके टॉप ऑर्डर में खेलने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले मैच में स्पिनर पीयूष चावला काफी महंगे साबित हुए थे, तो उनकी जगह इमरान ताहिर को खिलाया जा सकता है। इसके साथ ही ओपनिंग मुरली विजय और शेन वॉटसन करते नजर आ सकते हैं। वकील विकास
सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर किया खुलासा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए काफी लंबा समय हो चुका है। ऐसे में जांच और न्याय मिलने में हो रही देरी पर सुशांत के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विकास सिंह ने नाराजगी जताई है। 100 दिन से भी ज्यादा हो चुके इस मामले की जांच को लेकर विकास सिंह ने बयान दिया है कि अभी तक हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान खुद ली है या उनकी जान किसी ने ली है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि सीबीआई द्वारा सुशांत मामले में हो रही देरी या फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रही है। वो डॉक्टर जो एम्स में की टीम का हिस्सा रहे उसने मुझे बताया था कि जो तस्वीरें मैंने उसे भेजी है वो बताती है कि यह 200% गला घोट कर जान लेने वाला मामला है। इसके साथ ही फॉरेंसिक चीफ सुधीर गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जांच अभी जारी है, जो भी वो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 58 लाख के पार। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 58 लाख के पार मामले सामने आए हैं, जबकि इसमें से 45 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की दर भी अधिक बताई जा रही है। मंत्रालय के माने तो देश में 81.74% की दर से मरीज स्वस्थ हो रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कोविड-19 के 86,052 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 58,18,570 पर पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,141 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 92,290 पर पहुंच गई। आंकड़ों की माने तो देश में अभी तक 47,56,164 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव का आयोजन 3 चरण में करवाने के फैसले से आप सहमत हैं या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।